हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अपना जो यहाँ पर कंसेप्ट है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेब्ट्स इन रिवैल्यूएशन, है ना। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बेड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने ये कंसेप्ट 11 में भी किया हुआ है कि बेड डेब्ट्स कैसे शो किए जाएंगे, क्या शो करना है क्या नहीं। देखिए, यहाँ पर जैसे डेटा गिवन है, आपको एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं 60,000 के डेटा गिवन है, जिन पर प्रोविजन है 2,000 रुपीज, नेट डेटर्स दे रखा है अपन 58,000। अब हुआ क्या, आपको मालूम है आप ये जो प्रोविजन बनाते हो वो क्यों बनाते हो, कि इन केस अगर कभी बैड डेब्ट्स होते हैं, कोई पैसा डूबता है, तो सबसे पहले पैसा आप कहाँ से यूटिलाइज करोगे, इस लॉस को यूटिलाइज कहाँ से करोगे। मतलब एक तो ये है कि डेटर्स घटेंगे, है ना, ये तो आपको पता है, बैड डेब्ट होने से डेटर घटेंगे। अब इस लॉस को आपको कहाँ से यूटिलाइज करना है। तो अगर प्रोविजन बनाए तो सबसे पहले प्रोविजन से, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोविजन से। और अगर प्रोविजन नहीं है या प्रोविजन कम है तो कहाँ से लेंगे अपन, पीएनएल से। बट यहाँ पीएनएल की जगह हमारे लिए वर्क क्या कर रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, डेटर्स है आपके 60, प्रोविजन है 2,000, नेट अमाउंट 58 हो गया। आप केस वन कह रहा है कि बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 के, यानी कि यहाँ डेटर्स रिड्यूस होंगे कितने से, 5,000 से, ठीक है। प्रोविजन कितना था, 2,000, तो बाकी का 3,000 मुझे कहां से लेना पड़ेगा, फॉर श्योर मुझे रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, है ना। तो यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड ना, मैं आपको यहां पर और समझा देती हूँ। देखिए यहां पर, अच्छा, इसकी जनरल एंट्री भी होती है। तो केस वन की जनरल एंट्री में अगर आपको सिखाऊं तो कैसे बोलेंगे आप, सबसे पहले बोलोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप बैड डेब्ट्स को रिड्यूस करोगे टू डेटर्स, कितना, 5,000, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये बैड डेब्ट्स है, ये नॉमिनल अकाउंट है, कहीं ना कहीं से क्लोज होना है। तो सबसे पहले ये क्लोज कहां से होगा, प्रोविजन से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 2,000 ना। और अगर टू बेड डेव्स अगर आप करोगे तो बेड डेव्स है कितने के, 5,000 के। तो बाकी का 3,000 अपन को कहाँ से लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, यहाँ पर 3,000 से, है ना। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आप शो करोगे 3,000, और बैलेंस शीट में जो आप ये डेटर्स दिखाने वाले हो तो वो डेटर्स होंगे कितने, वो डेटर्स होंगे आपके 55,000। वाई सो, 60,000 थे, 5,000 का बैड डेब्ट्स हो गया, आंसर आया 55,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या कहता है। नेक्स्ट केस कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट केस कह रहा है कि आपके जो बैड डेब्ट्स हैं, ठीक है, That amounted to ₹800 and remaining debtors are good. 800 रुपए के बैड डेब्ट्स हुए हैं। तो आपको मालूम है कि भाई प्रोविजन है मेरे पास कितने का, 2,000 का, ठीक है। बैड डेब्ट्स हुए हैं कितने के, 800 के। तो पूरा 800 आप प्रोविजन से यूज कर लोगे, है ना। यहां पर आपको रिवैल्यूएशन से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, है ना, एंड वन मोर थिंग, कि अब आपको प्रोविजन जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। वाई सो, बिकॉज उन्होंने बोला रिमेनिंग डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर्स गुड है, तो क्या आपके पास कोई आशंका है कि पैसे नहीं मिलेंगे। यू आर क्लियर कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, पैसे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो द थिंग इज कि आपने 2,000 में से 800 यूज कर लिया, जो 1,200 बैलेंस बचा That needs to be written off, यानी कि वो खत्म करना है। तो यानी कि लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये रिवैल्यूएशन के किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। इसको एक बार जनरल एंट्री से समझते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने से, 800 से, ठीक है। अब ये बैड डेब्ट्स को आपको कहां से यूज करना है, प्रोविजन और रिवैल्यूएशन से। तो एक बार चेक करते हैं कि भाई प्रोविजन
और डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट दैट इज 2000 और बैड डेब्ट्स कितना है, बैड डेब्ट्स है अपना 800 रुपए, तो बाकी का बचा क्या किया जाएगा, बिकॉज दे आर सेइंग कि प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है, सारे डेटर्स गुड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा 1200 से। तो हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया वो कंक्लूजन है केस टू में, दैट इज कि आपको प्रोविजन जो है वो अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखाना है कितना 1200, बिकॉज वो 1200 आपके बच गए, एंड न्यू बैलेंस शीट में जो आप डेटर्स दिखाओगे वो कितने दिखाओगे, 60,000 माइनस 800 दैट इज 59,200। ऑल राइट, डन छे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट केस पर। अब नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट केस कह रहा है कि बैड डेब्ट्स हो गए हैं 2000 के और प्रोविजन भी 2000 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे रिवैल्यूएशन के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। वाई सो, देखिए आपके पास आपका लॉस हो रहा है, मतलब आपके बैड डेब्ट्स हो रहे हैं कितने के, 2000 के, और प्रोविजन भी कितना है 2000 का, तो आप अगर चेक करेंगे आपके पास एक्स्ट्रा कोई लॉस है, नो लॉस, तो सीधे सीधे रिवैल्यूएशन में कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। एक बार जनरल एंट्री से चेक कर लेते हैं, देखिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने से, 2000 से, ठीक है। अब ये बैड डेब्ट्स जो है आपके वो क्या किए जाएंगे, प्रोविजन से यूज किए जाएंगे, तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, तो 2000 यहाँ है, 2000 यहाँ है, डेबिट क्रेडिट में कहीं जरूरत पड़ी नहीं, तो डायरेक्टली आपका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं होगा। तो कंक्लूजन है रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करना, न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी 2000 रिड्यूस होके जो कि हो जाएगी 58,000। तो होप ये पॉइंट एकदम आपको क्लियर हुआ हो, एक बार इसको खुद से लिख करके एक बार सॉल्व करेंगे तुमको कैसे प्रूव करना है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर बैड डेब्ट्स भी हैं और न्यू प्रोविजन भी बनाना है, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास डेटर्स है, सेम क्वेश्चन है, बैड डेटर्स है आपके पास 60,000 के, प्रोविजन है 2000, 58,000 नेट अमाउंट। अब क्या बोल रहे हैं, ऑफ द डेटर्स 1200 प्रूफ बेड, 1200 बेड डेब्ट्स हो गए, एंड आपको न्यू प्रोविजन बनाना है एट द रेट ऑफ 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स। ओके, इजी छे, बहुत आसानी छे, कैसे करना है देखिए, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक, अगर आपको जनरल एंट्री नहीं करनी है, जस्ट गो थ्रू बैलेंस शीट बनाओ, आपको समझ आएगा कैसे, आपने न्यू बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में मैंने अमाउंट डाला कि हमारे डेटर्स थे 60,000 के, जिसमें बैड डेब्ट्स हो गया कितना 1200 का, ठीक है, तो बचा कितना 58,800, ठीक है। अब क्या बनाना है, न्यू प्रोविजन बनाना है, तो जरा न्यू प्रोविजन कितना बनेगा, ये बनेगा 5%, तो 58,80 2940, ठीक है, कितना हो गया 0, 6, 17 में से हो गए 8, 7 में से गए 5, 55,860 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आ रहे हैं आपके फाइनल डेटर्स जो आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाने हैं, और एक्चुअली थे कितने 58,000 के, तो ऑब्वियसली बात है डेटर्स रिड्यूस हो रहे कितने से, 58,000 माइनस 55,860 दैट इज 2240। एक बार ये डिफरेंस निकाल लीजिए, 58,000 माइनस 55,860 दैट इज 40, नहीं ये 1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा सर में से 2140, ठीक है। तो ये 2140 कहाँ जाएंगे, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, बिकॉज आपके पहले डेटर ज्यादा थे अब कम क्यों हो गए, तो जो लॉस हुआ वो सीधे सीधे आपका वहां चला गया। अब इसको और किस तरीके से किया जाएगा, ये तो बैलेंस शीट करके है, आप डायरेक्टली से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
कि नहीं 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 हमें जनरल एंट्री के थ्रू समझना है, कि आपसे जनरल एंट्री ही पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, लेकिन बैलेंस शीट यहां भी बनानी है, आप ये नहीं समझ सकते कि आप यहाँ बैलेंस शीट से बच जाओगे। तो यहाँ पर हमारे जो बैड डेब्ट्स हुए हैं वो कितने क्यों हैं, 1200 के, तो हमने 1200 दिखाया। नाउ आपको आपको ये बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ये तो बनाना बनाना है ना, तो ये हो गया। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपका ये जो लॉस है ना, सबसे पहले आप प्रोविजन से यूज करोगे, तो चलिए प्रोविजन से यूज कर लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने हैं 1200, और पुराना प्रोविजन कितना है 2000, है ना, तो अपन सीधे सीधे 1200 यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्लियर है ना, अपन ज्यादा नहीं डालते अभी, ठीक है, अभी क्या करते हैं बिकॉज हमें नया प्रोविजन बनाना है, तो डायरेक्टली हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालते हैं, हमें देखते हैं कि हाँ ओके हमारा 1200 था, 1200 और 2000 था हमारे पास प्रोविजन, 1200 बैड डेब्ट्स थे तो अपन ने 1200 यूज कर लिए। अब प्रोविजन 2000 का था, 1200 यूज हुआ है, तो 800 अभी ओल्ड में बैलेंस है मेरे पास, है ना, और न्यू कितना क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करना है 2940, न्यू कितना क्रिएट करना है 2940, तो अपन को क्या समझ आ रहा है कि न्यू है हमारा 2940, तो मुझे 2140 और क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करना पड़ेगा मतलब क्या होगा, यहां होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और प्रोविजन क्या होगा, क्रेडिट होगा जितने अमाउंट से जितने की अपन को जरूरत है, दैट इज 2140। यही चीज मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि डायरेक्टली आ गया था अपना 2140 यहाँ पर, है ना, अपन को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थी, बट व्हेन दे विल बी आस्किंग जनरल एंट्री तो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब कुछ और पॉइंट्स हैं हालांकि सेम ही, ठीक है, बट कुछ और वे में इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। एक सेकेंड ना, देखिए कंसेप्ट है क्या, उन्होंने बोला कि डेटर्स हैं आपके 50,000 और आपका जो प्रोविजन है वो है 5,000, सारे डेटर्स गुड है, प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है मेरा तो फायदा है ना, पूरा पूरा सीधे सीधे पूरा प्रोविजन राइट ऑफ करना है, और पूरा प्रोविजन राइट ऑफ करना है तो क्या होगा, प्रोविजन तो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डालोगे बाय प्रोविजन कितना आप 5,000, ठीक है, और न्यू बैलेंस शीट में जो डेटर्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 45,000, ठीक है, फर्स्ट केस इज वेरी क्लियर। केस टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 2000, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोविजन जो है वो हमने देखा कि वो 2000 ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 2000 ज्यादा बनाना है, कि ये पता चला कि ये जो बैलेंस शीट में है ना वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 2000, ये 2000 ज्यादा है, तो मुझे 2000 से प्रोविजन कम करना है, कम करना है तो क्या होगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा कितने से, लेकिन ओनली 2000 से, बिकॉज 2000 से ज्यादा था 2000 रिड्यूस किया। अब बैलेंस शीट में अगर आप चेक करो तो भाई हमारे पास 5000 का प्रोविजन था, 2000 से घटा 3000 का हो गया, है ना, तो 50,000 माइनस 30,000 यानी कि हमारे पास आपके डेटर्स कितने के हो गए, 47,000 के। नेक्स्ट दे आर सेइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस टू 4000, तो भाई हमारे पास प्रोविजन है कितने का, 5000 का, अब घटा के कितना करना है, 4000 का, तो फायदा कितने का हो रहा है, घट कितने से रहा है, 1000 से, मतलब जो नेट इफेक्ट है वो 1000 है, नेट इफेक्ट 1000 से घट रहा है ना, तो ऑब्वियस फायदा हो गया, तो प्रोविजन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा कितने से, 1000 से, और न्यू बैलेंस शीट में जो डेटर्स जाएंगे, मतलब जो प्रोविजन जाएगा वो 4000 हो जाएगा, तो डेटर्स कितने हो जाएंगे, 46,000, है ना, कैसे 50,000 माइनस
4000, ठीक है। नेक्स्ट केस है प्रोविजन इज टू बी रेज टू 6000, कि भाई अब जो प्रोविजन है ना वो रेज करना है 6000 तक, 6000 बनाना है, मतलब 1000 से बढ़ाना है, अब प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है ना, ओल्ड प्रोविजन कितना था 5000, ठीक है, अब कितना हो गया 6000, तो क्या हो रहा है, ये प्रोविजन 1000 से नेट इफेक्ट बढ़ रहा है, तो नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्या होगा क्रेडिट हो जाएगा, ओनली 1000 से जितना क्रिएट करना है। न्यू बैलेंस शीट में जो डेटर्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 44000, है इतना ही करना है बस, ओवर एंड आउट। चलिए देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं आगे, इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के साथ बाय बाय, और कोई डाउट्स हो तो जस्ट लेट मी नो।